आज विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, परंतु फिर भी अनेक ऐसे प्राकृतिक रहस्य हैं जिनके आगे आधुनिक विज्ञान अभी भी अनजान है, या यूं कहें कि लाचार है। प्रायः आधुनिक वैज्ञानिक नास्तिक होते हैं, वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, परंतु समय समय पर ईश्वरीय चमत्कार उन्हें भी परम सत्ता को मानने पर मजबूर कर देते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक यह सवाल एक सवाल ही बना हुआ है कि ईश्वर कहाँ है। वैसे तो ईश्वर या भगवान को श्रद्धा व अध्यात्म के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा भी है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय मैं जाना। अर्थात भगवान तो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन वह प्रेम और विश्वास से ही प्रकट होते हैं, परंतु आधुनिक वैज्ञानिक उन्हें विज्ञान के जरिए खोजने का प्रयास करते रहते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक स्थान पर आपको लिए चलते हैं जिस पर नासा जैसी अंतरिक्ष कंपनियां भी रिसर्च कर चुकी हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दुनिया में अनेकों ऐसी गुफाएं हैं जिनका रहस्य आज तक रहस्य ही बना हुआ है, या ये ऐसी गुफाएं हैं जिनके अंदर एक बार जो कोई भी गया वह वापस नहीं लौटा, यहाँ तक कि आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण भी कुछ नहीं बता पाए। ऐसी अनेक गुफाएं भारत में मौजूद हैं, लेकिन इन तक पहुँचना बेहद कठिन है। प्रायः हम सभी यह मानते हैं कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। वहाँ उनके साथ माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, वीरभद्र, नंदी, कीर्तिमुख आदि भी रहते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु यह साक्षात अनुभव भी करते हैं। इसी तरह अमरनाथ गुफा का भी बहुत बड़ा महत्व है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह गुफा भगवान शिव की प्राकृतिक रूप से बर्फ से निर्मित शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती जी को जीवन और अनंत काल की अमर कथा यहाँ सुनाई थी। यहाँ पर माता पार्वती का शक्ति पीठ भी है। कहा जाता है कि यहाँ माता पार्वती का कंठ गिरा था। हाल ही में किए गए वैज्ञानिक शोधों से यह पता चला है कि अमरनाथ की यह गुफा, जिसका दूसरा छोर जम्मू कश्मीर के पास शिवखोड़ी नामक स्थान पर खुलता है, प्राचीन ऋषि मुनि इसी गुफा मार्ग से अमरनाथ यात्रा करते थे, परंतु आधुनिक समय में यह गुफा वैज्ञानिकों के लिए भी दुर्लभ है। पौराणिक कथा के अनुसार अमरनाथ गुफा के अंदर वही प्रवेश कर सकता है जो त्रिकाल ज्ञाता हो, अर्थात अमर हो, जिसे जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर पता हो। भगवान शिव ने जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी तो उन्होंने इस गुफा में आग लगाई थी ताकि कोई भी जीवधारी अमर कथा ना सुन सके। कहा जाता है कि कबूतर ने अपने अंडे यहाँ छुपा दिए थे, इस तरह उन्होंने भी यह अमर कथा सुन ली और वह अमर हो गए। यहाँ आने वाले बहुत से श्रद्धालुओं ने उन दो कबूतरों के दर्शन किए हैं जो कि अमर है। भगवान शिव की यह अमरनाथ गुफा दरअसल एक सुरंग है जो जम्मू कश्मीर से लगभग 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका दूसरा छोर जम्मू कश्मीर से 140 किलोमीटर दूर उधमपुर नामक जगह पर है, जिसे शिवखोड़ी नाम से जाना जाता है। यह गुफा जम्मू कश्मीर के लोगों में काफी प्रसिद्ध है। स्थानीय लोग इसे ही भगवान शिव का निवास स्थान मानते हैं। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर जाने की हिम्मत आधुनिक वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए। एक बार कुछ वैज्ञानिक कैमरा और आधुनिक उपकरण लेकर इस गुफा के अंदर गए थे, परंतु वह कभी वापस नहीं लौटे। उसके बाद और भी लोगों ने इस गुफा के रहस्य जानने के लिए प्रयास किया, परंतु जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। भगवान शिव का निवास स्थान कही जाने वाली यह गुफा 3 मीटर ऊंची तथा 1 मीटर चौड़ी है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह गुफा अमरनाथ गुफा की तरह ही चमत्कारी है। जिस प्रकार अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग है, उसी प्रकार यहाँ पर चट्टान का बना शिवलिंग भी प्राकृतिक है, जो कि एक खास प्रकार की चट्टान से स्वतः निर्मित है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इससे भगवान शिव का आशीर्वाद मानकर अमरनाथ शिवलिंग की तरह ही पूजते हैं। मित्रों, एक बहुत बड़ी मान्यता यह भी है कि इस गुफा का रास्ता स्वर्ग तक जाता है, क्योंकि यहाँ स्वर्ग लोक की ओर जाने वाली सीढ़ियां भी बनी हुई है। प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग जिसकी ऊंचाई 3 से 4 फीट है, इसके ऊपर गंगा जल की बूंदे लगातार टपकती रहती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार पहले शिवलिंग पर दूध की धारा गिरती थी, क्योंकि कामधेनु गाय के
थन भी इन शिवलिंग के ऊपर बने हुए हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहीं पर भस्मासुर को भस्म किया था। जैसा कि गुफा के नाम से ही प्रतीत होता है, शिव खोड़ी अर्थात शिव की खोड़। भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए इस गुफा का निर्माण अपने हाथों किया था। मित्रों, कहा जाता है कि इस गुफा में आगे बढ़ने पर यह दो भागों में बंट जाती है, जिसका एक छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है तथा दूसरे छोर का अभी तक पता नहीं चल सका है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस गुफा में शिवलिंग का दर्शन करके आगे बढ़ता है वह वापस नहीं लौटता। भगवान शिव यहाँ साक्षात विराजमान है। कुछ की मान्यता यह भी है कि इसके अंदर प्रवेश करने वाला भगवान शिव के साक्षात दर्शन पा लेता है। इस कारण बाहरी जगत उसे झूठा लगने लगता है और वह स्वयं वापस नहीं लौटता। इस गुफा के दूसरे छोर का पता लगाने के लिए रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने जब यह देखा कि अंदर जाने वाले कई वैज्ञानिक और लोग आज तक वापस नहीं लौटे, तो उन्होंने भी इसे ईश्वरीय चमत्कार मानकर यह कहा कि गुफा के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। और तब से आज तक इसके अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया है। आपका इसके विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।